तो वेलकम बैक गाइस, यार एक और मकवैन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मकवैन वीडियो होने वाला है वो है ब्रेड ऑमलेट मकवैन वीडियो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है 9 पीसेस जो है ब्रेड ऑमलेट ले रखा है। इसको मैंने जो घर पे ही बनवाया है, तो इसकी कुछ शक्ल मैं आपको दिखवा देता हूँ। तो इसकी शक्ल कुछ इस टाइप की हो रही है, आप देख लो, ये ब्रेड है, इसके ऊपर ऑमलेट मैं करवा रखा है। तो बिना देरी के यार करते हैं अपने इस मकवैन को स्टार्ट। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग तो चैनल को यार थोड़ा सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो यार। ठीक है, तो करते हैं ऐसी बात पे अपने मकवैन वीडियो को स्टार्ट। और डीप में मैंने ले रखा है यहाँ पे टमाटो केचप। ठीक है, ये रहा बॉटल, आपको दिख रही होगी, अगर कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। कुछ टाइप की हो रही है इसकी, अब ओहो क्या स्वाद आ रहा है यार, एकदम मतलब गजब। गाइस मैं जो हूँ ब्रेड ऑमलेट काफी समय बाद ट्राई कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया खाया हुआ, और आज मैं इसलिए मन कर रहा था तो हमें बनवा लिया अपने घर पे। याद है मुझे, मैं जब गांव जाया करता था तो ट्रेन में जो ये पिकनिक ले आई करती थी, और बचपन में मैं खूब खाया करता था, वो दिन की याद आ गई मुझे खा के। मेरे को डीप में जो है स्वीट चटनी के साथ यार एक स्पाइसी चटनी बननी चाहिए थी, मोमो वाले। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। दोनों का कंबाइंड फ्लेवर गजब ला रहा है मेरे मुंह के अंदर। ऑमलेट की शक्ल देख लो, ये तो नीचे ब्रांड है।
काफी समय बाद जो मैं इसे खा रहा हूँ तो इसका खाने का मजा दुगना हो गया है। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मुझे लेकिन स्पाइसी चटनी बहुत ज़्यादा वो लग रही है यार, कमी बहुत कमी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा खास ले आता है यार। तो गाइस यार करते हैं अपने मुकबैन वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि मेरे जो पेट है वो लिटरली बता रहा हूँ पूरा फुल हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग भरे हुए नेक्स्ट मकबैन वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय।